हो पे रहे आप सब लोग एकदम अच्छे हो गए। तो भाई यार अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे यार आप लोग लोकी क्राफ्ट में यार फायरवर्क बना सकते हो जो कि यार हमें इलिट्रा फ्लाई करने में मदद करता है। तो यार यहाँ पर भी मैं बताने वाला हूँ लोकी क्राफ्ट में तुम लोग फायरवर्क कैसे बना सकते हो। एंड हाँ 70 के सब्स में बस 20 के कम्प्लीट मतलब यार बाकी है। सो यार जल्दी से यार उसको कम्प्लीट कर दो। एंड यार सबसे पहले बोलूँगा यार आपसे को थैंक्स यार इतना अच्छा सपोर्ट दिखाने के लिए। यार हमारे 50 के सब्स हो ही गए तो लग तो रहा है भाई कि हमारे 1 लाख भी हो ही जाएंगे जल्दी जल्दी। तो भाई यार इस वीडियो को लाइक जल्दी से कर दो। एंड अभी तक तुम लोगों को मैंने शाउट आउट नहीं दिखाया तो ये देख लो यार मतलब आप लोग सबसे पहले कुछ शाउट आउट्स। तो यार शाउट आउट देख लिया होगा तो चलो यार अपने वीडियो के टॉपिक पे भी आ जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग लोकी क्राफ्ट में यहाँ पे भाई तुम लोग यार मतलब लोकेट 1.18 में भी बना सकते हो एंड 1.19 में भी। तो यार अभी मैं खेल रहा हूँ लोकेट 1.19 वैसे लोकेट 1.18 में भी होता है तो उसमें भी तुम लोग इसको बना सकते हो। तो यार अभी मैं दिखाता हूँ तुम लोग की कैसे यार तुम लोग लोकी क्राफ्ट में 1. अरे यार गलत क्या क्या बोल दे रहे हो भाई। तो यार अभी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग लोकी क्राफ्ट में यहाँ पे यार फायरवर्क बना सकते हो जिसके कारण आप लोग इलिट्रा को फ्लाई करते हो। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो हम लोग को कुछ सामग्री चाहिए होती है जो कि यार यहाँ पे मैंने चेस्ट में रख लिया है एंड सामने फार्म भी बना दिया है। तो यार ये देखो सबसे पहले हमें सामग्री क्या चाहिए होगा सर्वाइवल में मतलब यार एक फार्म बनाने मतलब यार हमें एक फायरवर्क बनाने के लिए तो सबसे पहले तो हमें एक क्रीपर की हत्या करनी पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इस क्रीपर को हत्या करने का मन तो नहीं कर रहा तभी ये बहुत बहरहम इंसान है। और भाई फट जा भाई वो तो अपने फट गया तो कोई ना वैसे तुम लोग क्रीपर को मतलब सर्वाइवल में मार लेना मुझे मारने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे कुछ सामान चाहिए वो मैं ऐसे ले लेता हूँ। तो भाई देखो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं भाई गन पाउडर जो क्रीपर को मारने से मिलता है। एंड डाई तुम लोग को क्राफ्ट करने आता ही होगा हमारे मतलब हमारे सब्सक्राइबर तो भाई इतने मतलब यार बुद्धू तो कोई होगा नहीं भाई मतलब डाई कैसे क्राफ्ट करना है। ये देखो यहाँ पे सामने एक फ्लावर दिख रहा है तुम लोग को इस फ्लावर को तोड़ना है डायरेक्टली क्राफ्टिंग टेबल में रख देना जैसे कि यहाँ देख सकते हो यहाँ पे फ्लावर्स पड़े हुए हैं ना तो फ्लावर को तोड़ो एंड डायरेक्टली क्राफ्टिंग टेबल में रख दो यार तुम्हारा डाई क्राफ्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग यार अपने फायरवर्क पे आते हैं एंड पेपर कैसे क्राफ्ट करते हैं वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तुम लोग को कुछ थोड़े मोटे शुगर कन चाहिए होते हैं तो शुगर कन मैं यहाँ से ले लेता हूँ। एंड ये लो भाई हम लोग ने यहाँ से शुगर कन थोड़ा मोड़ा ले लिया ठीक ना। तो शुगर कन इतने से काम तो हो जाएगा हमारा क्योंकि अभी हमें यार थोड़े ही से बनाने हैं। एंड देखो शुगर कन जब ले ही लिया तो यहाँ पे तुम लोग एक मतलब यार पाउडर मतलब इसका मतलब पाउडर यहाँ पे तुम्हें शुगर नहीं बनाना यहाँ पे इसका पेपर भी बना लो। यहाँ लो हमने पेपर भी बना लिया एंड पेपर बना लिया ना मतलब तुम लोगों ने यार पेपर तो बनाने किसी को भी आता है ना। तो चलो पेपर से क्या करना है तो पेपर से कुछ नहीं करना होता है बस और बस क्राफ्टिंग टेबल के पास जाओ टच करो यहाँ पे एक मतलब यार अभी देखो हम लोग अभी नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं तो नॉर्मल के लिए देखो हम लोग इलिट्रा को फ्लाई करने वाला बना रहे हैं ना तो इलिट्रा को फ्लाई करने वाला ये हो गया। एंड इसकी ड्यूरेशन हम लोग थोड़ी बढ़ा देते हैं मतलब इसका पावर देखो इसका फ्लाइट ड्यूरेशन बस 1 है सो इसका भी मैं करता हूँ फ्लाइट ड्यूरेशन 3। तो ये देखो फ्लाइट ड्यूरेशन 3 करने के लिए मुझे 3 गन पाउडर ऐसे रखने पड़ते हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो वैसे भी मुझे और नहीं करना तो हो गया। चलो यार तुम इधर जाओ तुम भी इधर जाओ तुम भी इधर जाओ सभी चेस्ट में जाओ। एंड यहाँ पे देख सकते हो मुझे फ्लाइट ड्यूरेशन 1 एंड फ्लाइट ड्यूरेशन दोनों के मतलब दोनों के मिली है 1 और 3 दोनों की। तो 1 और 3 में डिफरेंस क्या है यार तो 1 और 3 में डिफरेंस क्या है वो देखो। तो यहाँ पे मैंने जेरी को मतलब पहना दिया इलिट्रा एंड चलते हैं इस पहाड़ी की मतलब क्लाइम करते हैं। बहुत यार बहुत मेरा पैर देने लगा भाई इतना मैंने चढ़ लिया। आर यू कॉमेडी मी? हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि तुम्हारे पास ये खाना कहाँ से आया तो भाई ये मैंने बहुत सारे मुर्गियों को मार के फरेंस में पकाया है ठीक ना। नहीं भाई झूठ बोल रहा हूँ यार मैंने तो क्रिएटिव से डायरेक्टली ले लिया। तो यार देखो मैंने यहाँ पे इलिट्रा पहन लिया जैसे कि देख रहे हो ओपी लुक में भी मैं आ रहा हूँ ये देखो इलिट्रा। एंड अभी हम लोग यार फ्लाई करके दिखाते हैं फिर हम लोग बनाएंगे कलरफुल डाई। तो आ गए हम लोग यहाँ पे एंड डर नहीं लगना चाहिए। तो ये हमारा फ्लाइट ड्रेसन 3 कौन है तो ये देखो 3 है ना हमारा। तो भाई चलो कूदो यहाँ से। एंड देखो गाइस हम लोग उड़ भी पा रहे हैं बट यार हमारे पास बस और बस 2 है। एंड चलो विलेज की ट्रैवल करके अपने वापस आते हैं। अरे भाई ये तो ज़ॉम्बी विलेज है भागना पड़ेगा यार भागो यहाँ से। तो यार देखा ना मतलब फ्लाइट ड्यूरेशन 3 थोड़ा मतलब थोड़ा देर तक करता है बट भाई अगर मैं फ्लाइट ड्यूरेशन 1 करूँ तो भाई ये थोड़ा ही से मतलब अब देखो इसका स्पीड मतलब यार स्लो हो गया मतलब यार फ्लाइट ड्यूरेशन भाई भाई साहब भाई
यार यही होता है मेरे साथ, मैं कब कभी जिंदगी में इलित्रा नहीं उड़ाऊंगा, ठीक ना भाई। यार हम लोग कहाँ पे स्पॉन हो गए, तो चलो अपने स्पॉन पॉइंट पे जल्दी से चल जाते हैं। तो यार वो देखो हमारा स्पॉन पॉइंट यहाँ पे है, तो चलो यार चलते हैं जल्दी से, दौड़ 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 दौड़। भाग मिल्खा भाग कर करके हम लोग आ चुके हैं अपने जगह पे, एंड हम लोग अपनी सामग्री को भी ले ले रहे हैं। ये निद्राइट आर्मर वैसे मैं भी खेल रहा हूँ, 1.18 नहीं 1.19 खेल रहा हूँ। 1.18 में भी फायर वर्क है, बट मेरे पास अभी मैंने उसको इंस्टॉल नहीं किया था ना, तो इसलिए मैं इसको खेल रहा था। आपसे हम लोग इलित्रा कभी ज़िंदगी में नहीं उड़ाएंगे, ठीक ना। देखा ना कितना, मतलब यार कैसे मैं मर गया, इसलिए मैंने वाटर बकेट लिया था, बट यूज़ करने आया नहीं, क्या करूँ। तो भाई देखो अभी हम लोग बनाते हैं यहाँ से कलरफुल डाई, तो उसके लिए हम लोग को ये देखो यहाँ पे डाई रखना है, एंड उसके बाद हम लोग को गन पाउडर रखना है, एंड ये देखो एक गोला से अंडा बन के आएगा, तो ये वाला दिख नहीं रहा होगा। तो ये देखो यहाँ पे एक गोला से अंडा बन के आएगा, तो इस अंडे को ले लो, फिर इसको चेंज करो, ब्लू डाई भी बना लेते हैं। एंड जब तुम लोगों ने इसको बनाए लिया, तब एक रॉकेट फिर से क्राफ्ट करो, यहाँ पे पेपर रखो, एंड देन इसको रखो, कोई भी अंडा को ले लेना है, एंड फिर गन पाउडर का रखो, फिर यहाँ पे तुम लोग का ये देखो भाई ये देखो, यहाँ पे हमारे ये हो चुका कलरफुल रॉकेट, इसको मैंने रखा एंड फटा तो एनिमेशन झड़ा भाई, वाओ। तो ये देखो यार यहाँ पे फटा तो एनिमेशन झड़ा ना, मतलब एनिमेशन दिख रहा है, कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक ना। तो ये देखो यार यहाँ पे हम लोग रखते हैं अभी थोड़े मोटे पेपर, एंड देन हम लोग को रखना है ये गन पाउडर, एंड देन रखना हम लोग को ये ब्लू वाला डाई नहीं भाई, ब्लू वाला ये वाला जो स्टार बनाते हैं ना हम लोग, स्टार, ठीक ना। तो ये देखो हमारे पास 3 आ चुके हैं ब्लू वाला, तो ये देखो भाई ये देखो फटा तो ब्लू वाला झड़ा यार, भैया मस्त लगा यार कसम से भाई, बहुत ज़्यादा भयानक था। तो देखो ना यार कितना है, मतलब यार आप लोग हर यार क्या बोल रहा हूँ, हर एक बना सकते हो तुम लोग ऐसे ही कलरफुल डाई, बस फ्लावर को लो डाई बनाओ डायरेक्टली क्राफ्टिंग टेबल में, एंड बना लो यार अपना, मतलब तुम लोग उसको पालो जल्दी से यार, 70 के सब्जे। एंड मैंने बोला था जैसे कि यार आप लोग अगर 5 मिनट भी हमारी वीडियो को देखा होगा, एंड बहुत लोग इन तक देखते हैं, तो उनका यार थैंक्स यार, बहुत अच्छा बात है कि आप लोग हमारी मदद कर रहे हो 70 के सब्स में, एंड आप लोग को मैं जल्दी जल्दी दे दूंगा लोकेट 1.17। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय। एंड ये भेड़ बकरियों की आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा सता रही है, पहले इसको मार देते हैं, ये गया 1 शॉट, एंड तू भी जा, निजराइट का पावर यही होता है। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।